तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशिकांत द्विवेदी और मैं आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा और अब तक का सबसे बड़ा फ्लैट। जी हां दोस्तों, आज हमारे चैनल पे आने वाला है सबसे बड़ा फ्लैट 3 BHK। जी हां दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा फ्लैट है और काफ़ी बहुत बड़ा है। इसका स्पेस वगैरह जो है कमाल का है। तो अभी मैं आपको इसका टूर कराऊंगा, इसको दिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा है, क्या प्राइस इसका और कहाँ पे है, किस एरिया में है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। स्टेशन से कितनी दूरी पे है वो सब कुछ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए और अगर आपको ये हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और आप लोग का साथ मिलता रहेगा तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे और आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाता रहूँगा मैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी के। अगर आप लोग एक घर लेना चाहते हैं, अगर अभी तक आप रेंट पे रह रहे हैं, अगर अभी तक आपने कोई घर नहीं लिया है, आपके सर पे कोई छत नहीं है, तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, मैं आपका दोस्त आपके सपने को पूरा करने के लिए आया हूँ। और मैं पूरे भारत में जगह जगह से, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, मैं वहाँ से खोज खोज के सस्ती प्रॉपर्टी आपको दिखाता रहता हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा ये फ्लैट्स, आप देखिएगा कितना। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं ये फ्लैट्स कैसे हैं, इसके बाद में फिर हम और बातें करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग फ्लैट में, ये देखिए। अभी इसका इंटीरियर का काम काफ़ी बचा हुआ है, कलर वगैरह हो रहा है, अभी खिड़कियाँ वगैरह बाकी बची हुई हैं। बट आप देखिए हॉल, देखिए कितना बड़ा और कितना प्यारा हॉल। टेरिस देखिए, ये टेरिस फ्लैट है, काफ़ी बड़ी टेरिस मिलेगी ये 3 BHK फ्लैट में, आपको दिख सकता है। और दोस्तों, ये रोड फेसिंग फ्लैट है, ये आपको सामने रोड मिलेगा, आप देख सकते हैं व्यू बाहर का कितना अच्छा और कितना प्यारा व्यू है, देखिए आप लोग। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छे फ्लैट रहेंगे। अगर आप लोग एक 3 BHK सर्च कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, तो ये फ्लैट आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। काफ़ी बड़ा फ्लैट है, अभी हम इसका टूर कराएंगे। ये हमारा हॉल था, अब हम आ गए हैं किचन में, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों, इसका किचन जो है बहुत बड़ा किचन है, कम से कम 125-150 स्क्वायर फीट का तो किचन है केवल, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा किचन है। इतना बड़ा तो बाहर और जगहों पे इतने बड़े बड़े लोग बेडरूम और हॉल बना रखते हैं, इतना बड़ा इसका किचन है। और किचन से भी आप देखिए बालकनी में आने के लिए रास्ता है, आपको देखिए देखिए बालकनी इसमें दोस्तों पूरा मिलेगा आपको, 2 साइड बालकनी मिलेगा इस फ्लैट के अंदर। ये देखिए अभी कलर वगैरह, जैसे मैंने कहा था काम चल रहा है, तो ये देखिए हो रहा है कलर का काम। टाइल्स वगैरह देखिए कितनी अच्छी 3D टाइल्स लगा रखी हैं। मॉडुलर किचन वगैरह अभी बनेगा, ये सारा काम जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाया है 2 BHK और 1 BHK में, सेम उन्हीं का ये फ्लैट से 3 BHK। ये देखिए टॉयलेट बाथरूम का काम चल रहा है, अभी बहुत ही बड़ा टॉयलेट बाथरूम है दोस्तों। इसमें जो है 3 BHK में आपको दो मास्टर बेडरूम मिलेंगे और एक बेडरूम मिलेगा, और हॉल तो कहिए मत, बहुत बड़ा हॉल है, डाइनिंग हॉल है दोस्तों। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर कंस्ट्रक्शन से पहले ये लोग यूज कैसे करते हैं, वायर वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, तो वही मैं आज आपको ये दिखाने लाया था कि देख लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर जो है यूज कर रहे हैं ये लोग। मैंने सारी चीज़ें एक एक करके दिखाया है, मतलब देखा है, जाके खुद भी देखा है, इसके बाद में मैंने ये ब्लॉग शूट किया है। तो काफ़ी सैंपल फ्लैट तो काफ़ी लोग दिखाते रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग दिखाते हैं क्योंकि वो चमक धमक आप लोगों को अच्छी लगती है। बट मैं क्या करता हूँ कि मैंने कई सारे ऐसे ब्लॉग्स शूट किए हैं जो जिनका काम चल रहा होता है, जिन बिल्डिंगों का या जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, क्योंकि वो क्वालिटी कैसे यूज करते हैं, कैसा सामान लगाते हैं, तो वो सब भी आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि रंगाई पुताई करने के बाद में तो आपको अंदर का पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या किया गया है, तो इसी वजह से मैं ऐसे ब्लॉग्स भी शूट कर लेता हूँ। क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ, जब लोग ब्लॉग शूट के लिए बुलाते हैं तो सैंपल फ्लैट ही दिखाते हैं, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो अनफर्निश्ड या जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट वगैरह, वो भी मैं उनके ब्लॉग्स ज़रूर शूट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बेडरूम था, बेडरूम में भी यहाँ पे जो टॉयलेट बाथरूम है उसके लिए 1000 लीटर की टाँकी, उसमें पानी वगैरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत 2-3 जो टॉयलेट बाथरूम है उसमें सब में जो है टांकी अलग अलग से रखी गई हैं, प्लस में जो इसकी अलग से टांकी रहेगी जिसमें डायरेक्ट पानी ऊपर टांकी से आएगा,
देखिए इसका टॉयलेट बाथरूम भी 3D टाइल्स लगाई गई हैं इसमें। और दोस्तों इसका जो टैब वगैरह को जो काम किया गया है इसके अंदर, वो सब प्लम्बर कंपनी का काम है। प्लम्बर कंपनी अभी बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है इंडिया का, काफ़ी बड़ा ब्रांड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सामान वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। जैक्वार वगैरह को काफ़ी टक्कर दे रहा है प्लम्बर, तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाहर का बालकनी आपने देख ही लिया। अब दोस्तों आते हैं हम इसके दूसरे बेडरूम में। ये देखिए दोस्तों, इसमें अभी कलर जो है देखा जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है कि कौन सा इसमें अच्छा लगेगा, इसलिए ये सब सैंपल में अभी किया जा रहा है कि किस कलर में कौन सा दीवार अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं, तो बाहर का देखिए, जैसे मैंने कहा था इसमें दो बालकनी मिलेंगी, टू साइड बालकनी, तो इधर भी बालकनी आपको मिल जाती है और काफ़ी बड़ी विंडो भी है यहाँ पे, दिखाई होगी आपको। ये इसका टॉयलेट बाथरूम है दोस्तों। इसमें दो बेडरूम में जो है मास्टर बेडरूम इसमें आएंगे, जिनमें सेपरेट टॉयलेट बाथरूम रहेगा और एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी रहेगा, तो ये आपको दिख सकता है। काफ़ी अच्छे फ्लैट हैं दोस्तों, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो जल्दी से मुझे कॉल कीजिए और अपना घर बुक कीजिए। अगर आप 3BHK देख रहे हैं, लेने के इच्छुक हैं, तो एक बार इन फ्लैट्स पे भी, इन साइट पे ज़रूर आइए यहाँ पे, और ज़रूर आके एक बार विजिट कीजिए, देखिए, क्योंकि अगर आपने इन्हें नहीं देखा तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी चूक हो जाएगी घर लेने से पहले। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ये फ्लैट्स कैसा था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बड़ा और काफ़ी खूबसूरत फ्लैट है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, थोड़ी 8-10 लोगों की फैमिली है या 4-5 लोगों की फैमिली है और सब एक साथ रहते हैं, आप संयुक्त परिवार में, संगठित परिवार में आप अगर रहते हैं और आपका बजट ठीक ठाक है, तो आप इस घर पर जा सकते हैं। 3 रूम रहेंगे इसमें, इसके अंदर हॉल रहेगा, किचन लैट्रिन बाथरूम, 3 लैट्रिन बाथरूम रहेंगे, सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो अभी जो दोस्तों इसका काम जो है थोड़ा सा बाकी बचा हुआ है, नवंबर में इसका पोजीशन मिलेगा और काफ़ी लाजवाब फ्लैट्स हैं ये। और ये पड़ते हैं बिरार, जी हाँ, ये बिरार वेस्ट में पड़ेंगे, स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर के आसपास ग्लोबल सिटी है, वहाँ पर पड़े। और ये काफ़ी लग्जरी फ्लैट हैं दोस्तों, जैसे कि मैं अभी सीरीज वाइज वीडियो डाल रहा था डेली, पहले मैंने 2BHK आपको दिखाया, फिर मैंने 1BHK दिखाया और अब ये उसी में 3BHK का फ्लैट्स है। तो दोस्तों अगर आपको ये फ्लैट्स पसंद आता है तो आप इसको ले सकते हैं। इसका प्राइस वगैरह जो है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और एमिनिटीज़ की अगर बात करें इसमें दोस्तों, तो बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, जितनी एक लग्जरी लाइफ लोग जीते हैं लाइफस्टाइल, और उनके जो जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग भी बोर हो जाते हो, तो मैं, अगर आप लोग मुझे कॉल करोगे तो मैं वहाँ पे आपको मैं सब समझा दूंगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जितना मुझसे हो सकेगा मैं लिख दूंगा। और जब भी आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपका सारा डिटेल्स जो भी रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको ये पसंद आते हैं और आप लेने के इच्छुक हैं तो आइए, आप कॉल कीजिए मुझे और एक बार साइट विजिट कीजिए। दोस्तों आप घर खरीदें या ना खरीदें, लेकिन अगर आपको एक अच्छा घर देख रहे हैं तो ये, इसको देखे बिना आप दूसरा घर मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है और आपने नया घर ले लिया है 3BHK, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और बहुत जल्द मिलते हैं मैं आपसे नई प्रॉपर्टी के साथ में, नए ब्लॉक में। और हाँ, मेरे वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसकी लत लग सकती है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।